जिला अधिकारी व उपायुक्त श्रम रोजगार के निर्देश पर गठित जांच समिति में शामिल अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी खंड प्रथम व बीडीओ एलिया की जांच रिपोर्ट पर दोषियों पर कार्रवाई न होने से क्षुब्ध पसनेका के ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यह अनशन ब्लॉक मुख्यालय एलिया इमलिया सुल्तानपुर के गेट पर शुरू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक दोषियों पर मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा तथा निलंबन कार्रवाई नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि सीतापुर का प्रशासन तंत्र सरकार की छवि छुमील कर रहा है। एलिया विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत पसनेका के ग्रामीण समाज सेवी सरोज सिंह की अगुवाई में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के नाम हुए घोटाले को लेकर काफी समय से संघर्षरत है। उनके इस संघर्ष से ही मनरेगा कार्यों में लगभग 20 लाख का घोटाला जांच में सामने आया है जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि जांच प्रक्रिया संपन्न हुए 3 माह से ज्यादा समय बीत गया है। सरोज सिंह के अनुसार कार्रवाई हेतु कई शिकायत पत्र अब तक दिए जा चुके हैं, परंतु अधिकारी उन्हें रद्दी की टोकरी में डालकर दोषियों का बचाव कर रहे हैं। श्री सिंह का कहना है कि आरटीआई के तहत बीडीओ से लेकर सीडीओ तक से जांच रिपोर्ट व कृत कार्रवाई मांगी थी, उसे भी 3 माह बीत गए परंतु सूचना नहीं दी। यदि सूचना मिल जाती तो माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय पा सकता था। इन्हीं सब मजबूरियों के चलते पूर्ण भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। भूख हड़ताल पर सरोज सिंह, चरणजू लाल, राकेश कुमार सहित परवन लाल, प्रमोद कुमार, मटरू लाल, रामपाल, सर्वेश कुमार, अशोक शुकाली, संतोष सिंह सहित 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण शामिल है। हमारा ये उद्देश्य है जो अपने ग्राम पंचायत में दोषी पाए गए प्रधान हैं इन पे कड़ी से कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाए। मैं अपने माननीय विधायक जी से और माननीय योगी जी से प्रार्थना पत्र देकर के उनको अवगत कराएंगे कि दोषी को बख्शा न जाए और उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। पसनेका ग्राम सभा से बोल रहा हूँ और हमारे जो ग्राम सभा में जो एडीओ पंचायत और बी के साथ जांच करने गए उसमें जो जांच हुई उसकी कार्रवाई नहीं मिल पाई और मैं आज 10 तारीख से मैं फिर धरना आमरण अनशन पर बैठ चुका और इसकी उचित कार्रवाई करने के लिए मैंने यहाँ पर आमरण अनशन लगाया पहले है वहाँ पे जांच भाई, जांच में दोषी पाए गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं भाई। कड़ी ग्राम पंचायत पसनेका। अच्छा, पसनेका ग्राम तो वहाँ पे सब जांच हुआ, जांच पर सब दोषी पाए गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं भाई। और जबकि जहाँ देखा जाए तो भड़कावा जाते हैं कि मैं पैसे के बल पे सबको खरीद लेते हैं, ये हमारी सरकार है, वो सब है, ये हिसाब से हम लोग धरना बैठे रहते हैं और सब करते हैं, कोई हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती है। कब से चालू हुआ धरना? आज 10 तारीख से फिर चालू कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत पसनेका में 20 लाख से ज़्यादा मनरेगा का घोटाला है और जाँच भी हो चुकी है, कार्रवाई थाने तक पहुँची है FIR के लिए, लेकिन सारे अधिकारियों ने सब दबा के मामला रख लिया है। जो 2-3-4 माह से ऐसा मामला लटकावड़ा, इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। कब से आमरण अनशन पर बैठे हैं? 10 तारीख से चल रहा है, 10 अप्रैल से। अच्छा, 10 अप्रैल से बैठे हो जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई ना सुनवाई हुई, ना तो कोई ब्लॉक में मतलब BDO जैसा कोई अधिकारी आया है। अच्छा अच्छा, और BDO कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है। इसकी कार्रवाई आपने लिखित किसी को एप्लीकेशन वगैरह? लिखित में DM को ज्ञापन दिया जा चुका है खंड विकास अधिकारी के माध्यम से, तहसील दिवस में दिया गया था, उसमें भी 10 अप्रैल को बैठने कहा गया था, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई कोई नहीं।